अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे किचन में हम बनाने वाले हैं ग्रीन चिकन जाना, जो बहुत ही टेस्टी और चटपटा बन के तैयार होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। तो चलिए हम फटाफट से बनाते हैं चिकन दाना। चलिए फ्रेंड्स, ग्रीन चिकन दाना बनाने के लिए देखिए, मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको मैंने अच्छा पानी इसका सुखा लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये करीब 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, चिकन हमारा ज़्यादा है इसके लिए। और इसमें हम डालेंगे ये ग्रीन चट हरी मिर्ची, कोथमीर और जीरा 1 चम्मच, 4-5 हरी मिर्ची, कोथमीर और जीरा का हमको पेस्ट बनाना है जो हमारे चिकन दाना में जाने वाला है। चटनी जो मैंने आपको बताई थी, कोथमीर और हरी मिर्ची और जीरा, ये देखिए, ये ग्रीन चटनी में थोड़ी सी 4-5 बूंदे मैंने नींबू डाल के इसको मैंने पीस लिया था। अब इसमें जाने वाला है ये सूखे पाउडर मसाले, ये देखिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच। मैंने भर के धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर लिया है और ये मिक्स हर्ब लिया है जो पिज्जा वगैरह में डलता है। अगर आपके पास ये ना हो तो इसको स्किप कर दे। और ये स्वाद के अनुसार मैंने नमक लिया है, इससे बहुत अच्छा मिक्स हर्ब से और बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है, इसके लिए मैंने डाला है। और अब इसमें हम डालने वाले हैं दही, ये करीब 4 से 5 टेबल स्पून दही है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे ये करीब 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर में, ये इसमें इसकी बाइंडिंग का काम करेगा, ये भी इसमें डाल देंगे। और एक अंडा है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये फूड कलर है, ग्रीन कलर है, 2 चुटकी हम इसमें कलर डाल देंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रीन चिकन दाना हमने अच्छे तरीके से मसालों के साथ इसको मैरिनेशन करके रख दिया है। इसमें अब हमें क्या करना है कि इसको फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए मसालों के साथ, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। हमें फ्राई करने के 1 घंटे पहले इसको निकाल देंगे हम, 4 से 5 घंटे इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप जल्दी भी निकाल सकते हैं, मगर हाँ 2 से 3 घंटे तो इसको देना ही पड़ेंगे, ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाएगी और इसका मसाला भी अच्छे तरीके से फ्रिज में सेट हो जाएगा। और हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, अगर आपका ऐसा लगे कि छुट्टे तलते टाइम छूट रहा है तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर इसमें और डाल सकते हैं। हरी मिर्ची भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा और कम हो तो कम, कोथमीर के साथ। तो इसको हम रख देते हैं सेट होने के लिए, कवर करके करीब 4 से 5 घंटे के लिए, और फिर फ्राई करेंगे। चलिए फिर चलिए हम ग्रीन चिकन दाना फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए पूरे 8 घंटे हमारा चिकन इस तरीके से भीगा रहा, हमने इसको 1 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल लिया था। और एक कढ़ाई में मैंने ये देखिए तेल भी गरम कर लिया है, अच्छा तेज हीट पे तेल गरम कर लिया और इसको हम मीडियम कर दिया है तेल का फ्लेम। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं, देखिए एक एक पीस उठा के। जितने आएंगे हम उतने ही कढ़ाई में डालेंगे, इसको अभी हिलाएंगे नहीं, उसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पे देख लिए थे, हमने पलट भी दिए थे इनको, ये देखिए हम इनको 2 मिनट के बाद पलट दिए थे, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये चिकन दाना फ्राई हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसको हम निकाल लेंगे और हम दूसरा वाला बेज हमारा डाल देंगे, ये देखिए दाना फ्राई हो गया है इसी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा बेज भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ये देखिए इसमें हमने अंडा डाला है, इसके झाग आ रहे हैं इस तरीके से, देखा आपने हमारी कोटिंग भी इसमें टूट नहीं रही है, ये देखिए इस तरीके से हम सारा चिकन इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी इसे 2 मिनट के बाद पलट देंगे और फिर इधर से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स,
इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल दुबावा में हम फ्राई कर रहे हैं, इसके लिए दोनों तरफ से ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। ये देखिए और इसके आपने देखा कोटिंग भी बिल्कुल नहीं छूट रही है, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से हमारी चिकन फ्राई हो रही है और ये अच्छे से गल भी गई है। बस ये हमारी रेडी हो गई है, चिकन हमारी रेडी हो गई। चिकन के साथ खाने वाली मैं हरी चटनी आपको बता देती। ये देखिए ये कोथमीर लिया मैंने, कोथमीर हरी मिर्ची और दो कली लहसुन के लिए ये, और दही मिला के हम इसकी चटनी बना लेंगे नमक डाल के। कोथमीर हरी मिर्ची लहसुन और दही मिला के हम इसकी चटनी बना लेंगे इसके साथ खाने। देखिए ये चिकन भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है, इसी तरह हम सारा चिकन फ्राई कर। देखिए बहुत ही टेस्टी और चटपटा हमारा चिकन दाना बन के तैयार हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कितना अच्छा ये गल भी गया है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से टेंडर भी हो गया है और ये हरी चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा। तो आप भी इस तरीके से ग्रीन चिकन दाना बनाइए, खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ भी मुलाकात होगी।